Hey guys, what's up? Welcome to my channel and I am Deepanjan and you are watching another than Deepangama. तो देखो भाई आज का जो वीडियो है सेकंड सर्विसिंग है मेरा TVS Ntorq का, तो इसलिए दिस वीडियो एंड अभी जाऊंगा जिंजीरा बाजार जहाँ पे है TVS का सर्विस सेंटर एंड बहुत कुछ काम है स्कूटर में बहुत लोग बोलते हैं स्कूटी नहीं वो स्कूटर है, तो स्कूटी में जो ये काम है लाइक इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, हॉर्न भी थोड़ा लैक कर रहे हैं एंड उसके बाद यू नो पीछे से कुछ वाइब्रेशन आ रहा है, सामने से आ रहा है एंड राइट पैनल मेरे को चेंज करवाना है एंड यू नो जो माइनर चेंजेस होता है सर्विसिंग में वो तो हो गई एंड उसके बाद एक जो बात कि राइट जो पैनल है स्कूटी का और स्कूटर का वो मेरे को चेंज करवाना है आज। मेरे को बोला है शोमिक सर ने कि अवेलेबल है अभी TVS का सर्विस सेंटर में वो राइट पैनल जहाँ पे लिखा होता है 125, तो चलो दिखाते हैं एंड कॉस्टिंग भी बताएंगे सब कुछ का एंड अगेन आई डोंट नो दैट कितना शूट कर पाऊंगा मैं, यू नो अंदर शूट करना अलाउ नहीं होता है सर्विस सेंटर का, बट स्टिल आई विल ट्राई एंड स्टिल आई विल ट्राई टू शूट एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स गो भाई, और यू नो लेट ऑलरेडी आई एम लेट, सो इट्स 1 PM एंड चलो चलते हैं एंड कुछ एक्शन कैमरा के शॉट से भी दिखाऊंगा। बारिश, देखो बारिश आ गया। अरे भाई क्या है भाई, बारिश हमेशा मेरे साथ ही क्यों बारिश, ठीक कोई बात नहीं, चलो बारिश में ही जाते हैं। चलो সৌমিক তো মনে হয় ফোন করে দেবে। রাইট প্যানেলটা চেঞ্জ আছে, হ্যাঁ ফ্রন্টে দেখো 125 লেখা আছে না ওইটা, এটা চেঞ্জ আছে। আর তাছাড়া সামনে প্রবলেম বলতে গেলে শকারটা আগের বারেও করা হয়েছিল। কমপ্লিটেড, क्या कम्प्लीटेड कि स्कूटर दे दिया, वो जॉब कार्ड वो जॉब शीट जो भी होता है वो बना लिया है एंड उसके बाद काफ़ी हेल्पफुल सर्विस होता है हमेशा की तरफ श्री TVS का सर्विस सेंटर में, तो वो हेल्प तो हमको मिलता है तो मिला है आज भी एंड उसके बाद क्या है कि बहुत कुछ प्रॉब्लम्स में ना बोल दिया, तो इसलिए क्या है आज भी हो सकता है काम एंड अगर नहीं भी होगा तो कल होगा कि और इट विल टेक अराउंड 2 डेज, क्योंकि मेरे को हैंडल जो है वो थोड़ा साइड में टिल्ट होता है मेरा, तो वो अगर एकदम फिटिंग करना है तो हो सकता है कि 2 दिन लगे, तो अगर 2 दिन भी लगेगा वो लोग कॉल करके मेरे को बता देंगे, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आई विल बी वेरी सैड, क्योंकि 2 दिन मेरे पास मेरा लिटिल मीन्स Ntorq नहीं रहेगा। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं कुछ काम वगैरह है वो काम करते हैं, उसके बाद काम शाम करके अगर कॉल करेगा कि बोलेगा कि आओ भाई आपका लिटिल को लेके जाओ तो तब आएंगे एंड उसके बाद जाएंगे एंड अभी nobody is here to pick me up एंड I don't know how to go because यहाँ से ऑटो लेना है एंड उसके बाद हाँ ऑटो अगर नहीं मिलेगा तो उबेर ले लेंगे। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, टाइम पास कैसे चालू है मालूम है, मैं कॉलेज में आ गया एंड उसके बाद यहाँ पे रोनव आ गया, यहाँ पे योनिश एंड राइट नाउ वी जस्ट ऑर्डर 3 mixed sandwich जो कि वेजिटेबल्स नो चिकन नथिंग लाइक दैट, पनीर होगा कॉर्न होगा चीज़ पीस सब कुछ मार के टोटल वेज है, तो चलो कितना करके 40 rupees एंड द गुड पार्ट कि ऑनिश ट्रीट दे रहा है क्योंकि पेटीएम एक्सेप्टेड क्या होता है एक्सेप्टेड हियर, सो पेटीएम के कारण थोड़ा बहुत ट्रीट भी मिल रहा है एंड बारिश गिर रहा है देख सकते हो आप लोग, तो आई डोंट नो कैसे जाऊँ यहाँ से, बट है लिटिल वहाँ पे लेके तो आना है। चलो आज हाँ थैंक यू भाई, हाँ हाँ এমনি ওই যে প্রবলেমসগুলো রিটেন ছিল ওগুলো দেখে নিয়েছো তো? হ্যাঁ আমি তো আপাতত ঠিকই লাগবে,
চালালে বুঝতে পারবো। আসছি। सर्विस हो गया खत्म एंड अंधेरा देख सकते हो आप लोग, इसलिए सर्विस स्टेशन क्लोज हो गया, बट मेरे लिए वो लोग वेट करके मतलब थोड़ा लेट हो गया, इतना ट्रैफिक था। सो थैंक्स अ लॉट टू TVS एंड ऑल ऑफ द वर्कर्स ओवर देयर एंड यू नो दे आर वेरी हेल्पफुल एंड स्पेशली द वर्कर्स ऑफ स्ट्रीट TVS वर्क स्टेशन मेंशनिंग वर्क स्टेशन, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी हेल्पफुल। सो दे हेल्प मी एंड दे वेटेड फॉर मी उन लोगों का यू नो ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद भी वेट करके, तो मेरे को एकदम डिलीवरी कर दिया है। एंड सेकंड सर्विस में मेरे को बोला कि मोबाइल चेंज नहीं होता है, एंड उसके बाद जो चेकअप फुल मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम्स था सब कुछ अभी तक तो बोला कि सॉल्व हो गया है, अभी चला के देखना है एंड उसके बाद अभी घर जाएंगे एंड उसके बाद जो बिल है वो व्हाट्सएप में भेज देंगे क्योंकि काउंटर बंद हो गया था। तो मेरे को अभी पड़ा है 60 rupees। सो लेट्स गो एंड नथिंग एल्स, लेट्स गो। Place and second service of TVS Ntorq is completed or done. And उसके बाद I'm very sorry क्योंकि भाई ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया मैं ये सेकेंड सर्विसिंग में, क्योंकि देखो भाई क्या शूट करें, क्योंकि अलाउ ही नहीं करते हैं TVS लोग, सिर्फ TVS लोग नहीं, हर एक कंपनी अलाउ नहीं करते वर्कशॉप में वीडियो शूट करना, तो जितना हो पाया मैं दिखा दिया आप लोगों को। एंड उसके बाद सेकेंड सर्विसिंग में मेरा कॉस्ट आ गया है 60 rupees, बिकॉज TVS ने बोला कि ये जो सेकेंड सर्विस होता है वो कि 2000 से 3000 किलोमीटर के अंदर आपको करना है, एंड ये सेकेंड सर्विसिंग में आपको मोबाइल चेंज नहीं करवाना है ये बोला है हमको, तो इसलिए मैंने नहीं किया। एंड उसके लिए 60 rupees का चार्ज आया कुछ चीज़ के लिए, मैंने पेमेंट कर दिया। और एक बात कि मैंने स्कूटर छोड़ के आया था, मैं कॉलेज में आ गया था, उसके बाद जब पिकअप करने गया मैं एक चीज नोटिस किया कि जितना प्रॉब्लम मैंने बोला था सब कुछ हो गया सॉल्व। सो थैंक यू सो मच TVS फॉर सच ह्यूज यू नो हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसिंग। राइट एंड लेफ्ट पैनल एनी वन ऑफ देम विल कॉस्ट यू 1000 से 1200 के अंदर आपको मिल जाएगा वो, लेकिन उतना अवेलेबिलिटी हर टाइम नहीं रहता है वर्कशॉप और सर्विस सेंटर्स में, तो जाके जल्दी से जल्दी पहले ऑर्डर और बुक कर लो, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जो करना सोच समझ के करना, बिना सोच के कुछ मत करना। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।